वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज किस वीडियो देखने वाले हैं, जो भी एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की बात करने वाला हूं, तो बरेली का पेपर बेटा आपका होने वाला है, ठीक है। 8 अप्रैल को आपका पेपर है। किसका? बॉटनी का। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाला हूं। 8 अप्रैल को आपका पेपर है, याद रखना मेरी बात को। अब आपको क्या क्या याद करना है, याद रखना 4 अप्रैल का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आप क्या क्या याद करके जाएंगे। देखो, आपने जो भी पढ़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप पढ़िएगा, ये भी नहीं कह रहा हूं पढ़िएगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको पेपर में दे रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, मतलब रट के जाना है, ये पेपर में आ रहे हैं ये समझ के आपको जाना है। और आपका जैसे ही पेपर होगा आप मुझे पेपर को सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7037327378 पर। आप इस पर क्या करेंगे, उस पेपर के फोटो को खींचकर मुझे सेंड कर देंगे, ताकि उस पेपर का जो आएगा उसका मैं सलूशन बता सकूं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा बस। अब मैं क्या क्या, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, आप पता नहीं कौन कौन से गेस्ट पेपर से तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप शॉर्ट वाले गेस्ट पेपर से आप तैयारी करिए, मैंने खुद अपने तरीके से वो नोट्स को बनाया है, उस नोट्स को आप डाउनलोड कर पाते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके पास 2 दिन अभी बकाया है, 2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने नोट्स का, वहां जाएंगे नीचे लिखा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन, नोट्स इस तरीके से लिखा होगा, आप उसमें लिंक पर टच करना, हमारी साइट पर पहुंच जाओगे, आपके पास जो भी है मैथ है जियोलॉजी है बॉटनी है फिजिक्स है केमिस्ट्री है आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके फोन में आ जाएगा, आप बेझिझक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में है। आप एक बार उस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे आधा याद हो गया, बड़े आराम से। केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सारी प्रोवाइड करा चुके हैं हम लोग, आप साइट पर जाकर या फिर हमारी पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और या फिर बीएससी बाय पेपर हैकर पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल का मिल जाएगा आपको, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं कौन कौन से क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख के जाना है। देखो ध्यान से याद रखना मेरी बात को, जो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक लगा रहा हूं अपने गैस पेपर जिसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, नोट से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप टिक लगा लो कि ये क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करो, देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। देखो मैं ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं दूंगा, वही क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आ रहा है। देखो यहां है और आप मुझे तुरंत बता देना पेपर में आकर कि सर जो आपने बताया वही क्वेश्चन आया, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखना है कि सर जो आपने दिया वही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब यहां ध्यान से देख लीजिए, और जिस जिसके पेपर हो चुके हैं और जिसका फंसा है जो मैंने आपको दिए वो भी आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर साथ ही साथ बता देना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हूं मैं, आगरा से हूं, या फिर ठीक है अवध यूनिवर्सिटी से हूं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हूं, मेरे क्वेश्चन पेपर जो आपने बताए थे वही आए थे, एक कॉमेंट जरूर कर देना आप सभी लोग, ठीक है, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए कि जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो पेपर में आते हैं। तो देखो यहां पहला क्वेश्चन दे रखा है बैक्टीरिया को स्टोन करने की विधि, समझ रहे हो, जो बैक्टीरिया होते हैं उसे स्टोन किस प्रकार से करते हैं, तो स्टेन कह सकते हैं, तो स्टेन करने की तकनीक क्या, मतलब कि विधि क्या होती है, तकनीक क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में। और आपको ये देख लेना है ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन याद करेंगे, ये वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्णन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्णन अच्छी तरीके से आप याद करेंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले मैं आपको बुटिक लगवाता हूं, उसके बाद में बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ भी जाए और आप उसको याद नहीं है, याद रखना आपको याद नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको बना बना के कर देना, ठीक है, बात कर रखा, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहीं से आएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी की लाइफ साइकिल के बारे में आपको याद कर लेना, जीवाणुभोजी की लाइफ साइकिल के बारे में आपको याद कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसे कहते हैं जीवाणु के आकार, जीवाणु के आकार कैसा होता है, मतलब कि जो वायरस होता है उसका सेफ कैसे होता है, ठीक है, कह सकते हैं वायरस सेफ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो जीवाणु का आकार आपको बता देना है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायरस, वायरस क्या होता है, वायरस जानते हैं, वायरस होता क्या है, वायरस की संरचना के बारे में आपको देख लेना है। जैसे कोविड-19 आपने वायरस देखा होगा वो कैसा था, गोल था और ऊपर इस तरीके से उसके ये था, मतलब इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना कांटे के आकार का था, जहां से दो कोरोना वायरस जिसे कहते हैं ना कोविड-19 के लिए। अब देखो यहाँ कह रहा है वायराइड क्या होते हैं, वायराइड की संरचना के बारे में वर्णन करिए, ठीक है, तो वायराइड क्या होते हैं, वायराइड की संरचना के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, दोनों टिक लगा लिए हमने। चलो उसके बाद में देखो, मैंने आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा,
जिसे कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिकांग का वर्णन, मतलब कि यूकेरियोटिक कोशिका का आपको वर्णन बताना है। साथ ही साथ यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं जिसे गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, लाइबोसोम क्या होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। और क्रोमोसोम यदि आ जाए, मतलब कि कह सकते हैं गुणसूत्र यदि आ जाए, तो आप अच्छी तरीके से उसको याद कर लेना, ठीक है। अब यहां देखो उसके बाद प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड को आप याद कर लेना, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। और यहां बोला जाता है ग्राम अभिरंजक, ग्राम अभिरंजक क्या होता है, आप इन क्वेश्चनों को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप टिक लगाएंगे बैक्टीरिया का पोषण, मतलब आपको न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मतलब कि कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है वो अपना पोषण किस तरीके से प्राप्त करता है, मतलब कहां से प्राप्त करता है वो बैक्टीरिया पोषण, मतलब खाना पीना कहां से प्राप्त करता है, वो अपना जीवन कैसे जीता है, वो आपको देख रहे हैं। उसके बाद में तीसरी यूनिट यहां दे रखी है, तीसरी यूनिट में आपको क्या क्या देखना है, देखो तीसरी यूनिट में आपको देखना है जो वाल्वॉक्स है, वाल्वॉक्स याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाल्वॉक्स की संरचना के बारे में और उसके लैंगिक जनन के बारे में, वाल्वॉक्स की संरचना उसके लैंगिक जनन, ठीक है। और वाल्वॉक्स में जो सेमिमियम होता है उसकी संरचना पूछ लेता है कभी कभी, तो आप इसको पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है कि शैवाल किस तरीके से जनन करते हैं, ठीक है, उनके महत्व, शैवालों के महत्व के बारे में देख लेना, महत्व इंपोर्टेंट रहेगा, आप इसको देख लेना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, देखो ओडोगोमनियम होता है इसके आवास और के जनन के बारे में और कोश का संरचना के बारे में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑक्टोकार्पस, ऑक्टोपार्कस का आवास और संरचना और उसका जनन के बारे में, आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। कारा का जनन अंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा देना, कारा के जो जनन अंग होते हैं उसके बारे में आपसे पूछता है, इसको अच्छे तरीके से आप याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है, उसके बाद में आपको देखना है, देखिए चौथी यूनिट पहुंच जाएंगे, चौथी यूनिट में हम देखेंगे जो राइजो, जो राइजोपस होता है उसके आलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन के बारे में देखेंगे, राइजोपस का लैंगिक और आलैंगिक जनन, उसके लाइफ साइकिल को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद में एक आता है एग्रीकस, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर लगा देना, एग्रीकस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% बनेगा एग्रीकस का लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आप मशरूम तो जानते हैं, जो मशरूम लोग हम खाते हैं, तो मशरूम के बारे में खेती कैसे की जाती है, मशरूम को आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। एक आता है शिकंजा बंद क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है शिकंजा, ये शॉर्ट में आपसे पूछेगा, ध्यान से देख लेना। उसके बाद में देखो सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और आप कुछ गेस्ट पेपर उठाएंगे तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं यही क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, बस पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से, 85% तो प्लस आपका पक्का मिलेगा, मतलब कि आप टॉप करोगे 2022 के एग्जाम में, समझ लीजिए। यहां पर बात करने वाले हैं लाइकेंस क्या है, उसके महत्व के बारे में, लाइकेंस है क्या उसके महत्व को बताइए, ये हमसे पूछा गया है, लाइकेंस के बारे में पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस 5वीं यूनिट में आपको लाइकेंस दूंगा, बाकी कुछ नहीं दूंगा यहाँ। उसके बाद में नीचे जाएंगे और छठी यूनिट में चले जाइए, छठी यूनिट में हम देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ पादप रोगों का वर्गीकरण, मतलब कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो पैथोलॉजी होता है, मतलब कि पादप रोग होते हैं जो प्लांट पौधों में जो रोग लग जाते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको देखना है और उन रोगों को कैसे आप रोकथाम करेंगे, मान लीजिए कोई पौधे में रोकथाम और उनका लक्षण क्या रहेगा, पौधों में कोई रोग लगा तो उसका लक्षण क्या है, आप उसको कैसे रोकथाम करेंगे, आप ये देखेंगे। अब यहां से कुछ पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं यूनिट नंबर 7 में, यूनिट नंबर 7 में जब भी बता रहा प्लांट में कौन कौन से रोग जाते हैं उसका किस तरीके से रोकथाम करते हैं, तो वो प्लांट या यूनिट नंबर 6-7 में दे रखा है उन्होंने कि जो गन्ने का, जब मान लीजिए गन्ना का रेड रॉड रोग लग गया, गन्ने के अंदर क्या हुआ, गन्ने का एक ऐसे ये होता है, एक ये होता है, मतलब यहां से लेकर ऊपर होता है, इस तरीके से बना होता है पूरा गन्ना, ठीक है। अब ये गन्ना में यहां से जो एक पुई होती है जिसे बोलते हैं, एक खाना होता है गन्ने का, तो उसमें कभी कभी बीच में फट जाता है वो गन्ना, आपने देखा होगा बीच में से फट जाता है, और बीच में से फटने के बाद वो कैसा होता है, लाल लाल हो जाता है अंदर, कैसा होता है, लाल लाल हो जाता है, तो रेड, यही बोला गया रेड रॉड रोग बोलते हैं इसको, रेड रॉड रोग ये जो होता है इसको शुगर कैन के अंदर गन्ने के अंदर लग जाता है, ये जो लग जाता है, तो आप इसको किस तरीके से रोकथाम, इसका लक्षण क्या होता है, तो आपको देखते ही पहचान लेंगे ये लाल होगा, फट जाता है गन्ना, तो वो चीज है। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आप इसको कौन कौन से मेडिसिन का यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो वो हमें यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। रोकथाम कैसे करेंगे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है गन्ने के अंदर खेती में, तो आप क्या करने वाले हैं, तो वहां आप थोड़ा मेडिसिन के बारे में और जानकारी आप देंगे, बस बाकी यहां कुछ फालतू नहीं है। और उसके बाद में देखो बहुत सारे यहां आलू का जो लेड ब्लाइंड रोग होता है, बहुत सारे होते हैं, अरहर के होते हैं, सफेद रंग वूंस वगैरह होता है, भिंडी, एक भिंडी का देख लेना, भिंडी का जो पीला नस मोजेक रोग होता है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इतना इंपोर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना।
उसके बाद में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कहूंगा, ये मोस्ट, एक तो गन्ने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, एक ये सिट्रस कैंसर क्या होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पे लगा देना, ये हर साल पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा, देख लेना। ये एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, तीन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो की संध्या दी गई है, जैसे कह सकते हैं तंबाकू का मोज़ेक रोग, ठीक है, तंबाकू का मोज़ेक रोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप इतना पढ़ लेना यहां से। तीन मैंने रोग यहाँ इंपोर्टेंट दिए जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, भिंडी का तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, भिंडी को छोड़ दीजिएगा, हो सके तो इसको देख लेना। आलू का जो लेड ब्लड रोग होता है इसको रोकथाम, इसके लक्षण के बारे में, ये चार मैंने रोग दिए, यहाँ चार रोकथाम और लक्षण के बारे में बोला गया है, ठीक है, प्लांट के अंदर, आप इन चारों को पढ़ लेना, बाकी सबको छोड़ देना, बहुत सारे मिलेंगे आपको गैस पेपर में, आपके क्वेश्चन बैंक में, सब नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में है विटामिन क्या होता है, विटामिन होता क्या है, वे कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन होता क्या है, वे कितने प्रकार के होते हैं, आप ये देखेंगे। एंजाइम का वर्गीकरण उनके नाम बताइए, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के वर्गीकरण उनके एंजाइम के प्रकार के बारे में, प्रकार देख लेना, जैसे कि को एंजाइम हो गया, सह एंजाइम हो गया, ये चीज देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और आपको ये देखना है किडवन, देखो किडवीकरण क्या होता है, मतलब जो किडवन होता है, कह सकते हैं किडवन जिसे बोलते हैं, किडवीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, फर्मिनाइजेशन बोलते हैं, उसको आप पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जैव सूचक क्या होता है, जैव सूचक को पढ़ेंगे, और देखो एक होता है ट्राइडो, जो ट्राइडोडर्मा होता है, ट्राइडोडर्मा को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे ना तो बना बना के कराओगे, कुछ ज्यादा नहीं होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कैसे होते हैं, ये पढ़ लेना, एक बार पढ़ के चले जाओगे, यदि मतलब गलती से भी उसने एग्जाम्पल में दे दिया ना ये क्वेश्चन, गलती से कहते ना, गलती से दे दिया तो भी आप बना बना के कर दोगे, तो मतलब पढ़ लोगे ना एक बार, इन क्वेश्चनों को तो रटना है जो मैंने आपको बताया, और बाकी आपका दिल करता है वो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ आप इन क्वेश्चन को ही पढ़ के 85% लाओगे, टॉप बनने वाले हो, तो बस इतना पढ़ लो, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वालों, समझ रहे हो ना, बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर जो भी आपका भाई बहन कोई भी है, तो उन्हें पेपर हैकर यूट्यूब के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि पेपर हैकर यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो तुरंत बताइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ओके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, थैंक यू।